हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जहाँ पर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो विकास का जहाँ टॉपिक होता है तो वहाँ अभिवृद्धि का टॉपिक तो आ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि अभिवृद्धि जो कि एक पक्ष, जो कि शारीरिक पक्ष की बात करती है, वही विकास जो जिसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। तो अभिवृद्धि जो कि विकास का ही एक संकुचित अर्थ होता है। अभिवृद्धि जो है जिसमें बालक के केवल बाहरी जो शारीरिक पक्ष है उसको शामिल किया जाता है, बालक ही नहीं बल्कि व्यक्ति जो होता है उसका केवल शारीरिक पक्ष जो है वह शामिल किया जाता है, ठीक है। बाहरी शारीरिक पक्ष का मतलब क्या है कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो बालक की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, उसका वेट हो गया, किस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ विकास, विकास का अर्थ होता है जो कि जीवन पर्यंत चलता है, सतत यानी लगातार चलता है। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है माँ के, तब से लेकर जीवन पर्यंत तक जो है विकास का कार्यक्रम चलता है, ठीक है। विकास में जो है अभिवृद्धि तो शामिल होती ही है, इसके अलावा जो है और भी पक्ष जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। तो विकास का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट व्यक्ति का किस तरीके से हुआ है, चाहे वो उसके शरीर से संबंधित हो, उसके बुद्धि से संबंधित हो, ठीक है, उसका समाज के साथ क्या उसका रिलेशन है इससे संबंधित हो, यानी उसका विकास किस तरीके से हुआ है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलता है और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। वहीं पर अभिवृद्धि जो कि जीवन पर्यंत नहीं चलती है बल्कि एक समय पर आकर रुक जाती है। अब हम जब हमारा जन्म हुआ था तब से हम धीरे धीरे जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं। एक सीमा आ जाएगी जब हमारा शारीरिक विकास जो है वो रुक जाएगा, यानी कि हम जीवन पर्यंत बढ़ते ही नहीं रहेंगे बल्कि अब हमारा विकास जो है वो हो चुका है। किससे संबंधित, शारीरिक विकास, ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। हमारा हमारी जो चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई है, जो वजन है, एक सीमा तक जितना होना होता है हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि बचपन से जिसका वजन जो बढ़ता आया है वो जीवन पर्यंत बढ़ता ही रहेगा, उसके बाद हो सकता है वो घटने भी लग जाए, ठीक है। तो जहां पर छोटे बच्चे की बात करते हैं तो शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था तक अभिवृद्धि जो है वो अपने चरम सीमा तक होती है, ठीक है, और उसके बाद वह रुक जाती है। तो अभिवृद्धि में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें केवल जो बाहरी शारीरिक पक्ष है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको नाप सकते हैं, वो शामिल किया जाता है, ठीक है, और ये जो है विकास का एक पार्ट है, ठीक है, क्या है, एक हिस्सा है। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा अभिवृद्धि क्या है। अब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है उसके अनुसार देखेंगे अभिवृद्धि क्या है। हरलोक का कहना है कि शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, मस्तिष्क के आकार और संरचना में वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। तो अभिवृद्धि क्या है, जिसमें शारीरिक अंगों की लंबाई, ठीक है, शरीर का जो भार है उसका बढ़ना, शरीर की जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि, उसके जो मस्तिष्क है उसकी आकार और संरचना में वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है दास की, प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वर्धन कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। वहीं पर जो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक हैं उनका क्या कहना है अभिवृद्धि के बारे में कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ठीक है। जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें जो गुणात्मक वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। जैसे कि जो 5 वर्ष का जो बच्चा है उसका वजन जो है वो 10 किलो होगा, ऐसा जो है हमने नाप कर पता लगाया,
ठीक है, या फिर 6 महीने का जो बालक है उसके दूध के दांत जो है वो अब निकलने लगे हैं, तो ये भी हमने देख कर उसकी उम्र को पहचान कर पता लगाया। ठीक है, या फिर 13-14 वर्ष का जो बालक है, 15-16 वर्ष का जो बालक है उसके चेहरे पर जो है वो हल्की हल्की दाढ़ी मूछ जो है वो आने लगी है, तो ये हमें जो है वो दिखाई दिया, जो शारीरिक परिवर्तन हुआ ये हमें दिखाई दिया। तो इनका कहना है कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी है जो है वही वृद्धि कहलाती है, अथवा कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है, जैसे कि ऊंचाई हो गई, वजन हो गया। तो अभिवृद्धि को जो है हम समझ गए हैं, इसके बाद हम इनका अंतर जो है वह भी देखेंगे। अब देखिए विकास क्या है, विकास जो कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है, ऐसा नहीं है कि भारत में है, लंदन में नहीं है, ठीक है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जिसका भी जन्म हुआ है, ठीक है, तब से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, यानी जन्म ही नहीं बल्कि गर्भ में जो बच्चा आ जाता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया चलती है, अर्थात ये व्यापक शब्द है। वहीं पर अभिवृद्धि हमने देखा एक संकुचित शब्द है, एक ही आयाम की बात करता है और जो कि शारीरिक पक्ष है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से ही परिवर्तन नहीं होता है बल्कि व्यक्ति में सोचने की क्षमता, सांवेगिक सामाजिक नियमों को समझने आदि से भी संबंधित परिवर्तन होते हैं, तो वह विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन नहीं होता बल्कि सांवेगिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है, बौद्धिक मानसिक परिवर्तन भी होता है, तो ये सभी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आएंगे। परिपक्वता तथा अनुभव से होने वाला परिवर्तन ही विकास है। जैसे हमने अधिगम का टॉपिक पढ़ा था जो कि जीवन पर्यंत चलता है, जब बच्चे का जन्म होता है जब से लेकर उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता है, उसी तरीके से विकास है। विकास जो है वह भी परिपक्वता और अनुभव इससे होने वाला क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, जेम्स ड्रेवर का कहना है विकास के बारे में कि विकास जो है वो प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। तो इनका क्या कहना है कि लक्ष्य यानी कि एक छोटा बालक है जिसको कोई भी चीज जो है वो दौड़कर उठानी नहीं आती है, यानी अभी जो है वह इस लायक नहीं हुआ है, तो उसका लक्ष्य क्या है कि मैं दौड़कर जो है उस बॉल को जो है वो पकड़ लूं। ठीक है, ऐसी ही स्थिति जो है वो हर स्टेज में आती है। अब कोई भी 10th 12th का जो बच्चा होता है तो उसका जो लक्ष्य है वह क्या है कि मेरे जो है 80% मार्क्स जो है वह है आए, 90% मार्क्स आए, तो ये क्या है, ये विकास है, यानी कि हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया है हम उसकी ओर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। गैसेल का कहना है कि विकास जो है एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुण और क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो विकास जो है वो एक परिवर्तन है जिसके द्वारा जो बालक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको आगे आने वाली जो भी परिस्थितियां होती हैं तो वहां नवीन विशेषताएं, नवीन गुण और क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। विकास जो है वो कभी भी नहीं रुकता है। स्किनर की परिभाषा में स्पष्ट है कि विकास जो है वो एक सतत यानी कि निरंतर लगातार और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि हर व्यक्ति के साथ घटित होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति का विकास हो रहा है, दूसरे व्यक्ति का जो है वो रुक गया। ठीक है, क्योंकि ये एक लगातार और धीमी चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। स्किनर कहते हैं कि विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये कहते हैं कि विकास जो है वह क्यों होता है, विकास की वजह है उस जीव और वह जीव जिस वातावरण में रह रहा है उसके साथ जो अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। ठीक है, अधिगम की ही तरह कि अधिगम जो है वह भी जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है, तो यही चीज स्किनर जो है वो विकास के बारे में कहते हैं।
उसके बाद देखिए हरलोक का कहना है कि विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, यानी विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा जो है वो अग्रगामी होती है, नियमित होती है, और विकास द्वारा होने वाला परिवर्तन व्यक्ति को पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर करता है, क्रमबद्ध होता है, क्रमिक होता है। इसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो क्रमबद्ध होते हैं, ठीक है, एवं सुसंबंध प्रतिमान है, यानी विकास में होने वाले जो परिवर्तन है उसमें सुसंगति होती है, सुसंबद्धता होती है। जिस बच्चे का शारीरिक और क्रियात्मक विकास जो है शीघ्र हो जाता है, तो उनका जो है सांवेगिक और सामाजिक विकास जो है वह भी शीघ्र होता है, ठीक है। विकास में देखिए हमने जो है निचोड़ क्या निकला इसका, कि विकास में वृद्धि जो है वो समाहित होती है, विकास में मात्रात्मक यानी जिसे हम नाप तोल सकते हैं, शारीरिक जो पक्ष है उसकी बात हो गई, वह गुणात्मक, गुणात्मक में बात हो जाएगी मानसिक की, बौद्धिक की, संवेगात्मक की, परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ सभी पक्षों की बात कर ली कि विकास में जो है शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम इसके जो है अंतर को जानेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि एग्जाम में अंतर जो है वह भी पूछ लिया जाता है। तो अभिवृद्धि से अभिप्राय क्या है, जहां हम एक ही पक्ष की बात करते हैं, वह है शारीरिक परिवर्तन। विकास से अभिप्राय है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन से, ठीक है। अभिवृद्धि एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, ठीक है, एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है। आप लोगों की जो हाइट हो गई वो हो गई, ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि जीवन पर्यंत जो है वो आपकी हाइट बढ़ती ही जाएगी। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता है, विकास कभी नहीं रुकता है। बच्चा जो है जब गर्भ में आ जाता है माँ के, तब से लेकर मृत्यु जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक विकास चलता है। इसी तरीके से अधिगम के बारे में हमने देखा था कि वह अधिगम जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। इसी प्रकार से विकास, ठीक है, विकास भी कभी नहीं रुकता है, ये भी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, किसी की लंबाई हो गई, किसी का वजन हो गया, उसको हम माप तोल सकते हैं, जबकि विकास को मापना संभव नहीं है, ठीक है। किसी के संवेगों को मापना संभव नहीं है कि उस वो व्यक्ति जो है इतना ज्यादा क्रोधित है तो उसका जो क्रोध जो है वह कितना है, ठीक है, उसका समाज के साथ क्या व्यवहार है, ये हम नहीं नाप सकते, नहीं माप सकते, ठीक है। तो विकास को जो है मापना संभव नहीं है। अभिवृद्धि जो है वो बाह्य होती है, क्योंकि ये केवल शारीरिक पक्ष की बात करती है, तो ये कैसी है, बाह्य है, जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बाह्य, बाहरी भी होता है विकास, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जो है वो ऐड में करवा दूंगी, विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, वातावरण जो है वह भी प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का जो उसका जो शरीर है, उसका जो खान पान है, उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी जो बुद्धि है, ये सभी जो है वो अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। क्योंकि कोई बच्चा जो है उसका जो भोजन है वह किस तरीके का है, ठीक है, यदि उसका भोजन जो है वो अच्छा नहीं है तो उसका शारीरिक विकास जो है वो रुक जाएगा। यदि वह अधिक समय तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक विकास रुक जाएगा। तो इसीलिए जो पर्यावरण है, उसका भोजन है, रोग है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है, ये सभी कारक अभिवृद्धि को प्रभावित करेंगे। विकास जो है वो परिपक्वता और अनुभव, यानी हमने जो है वो लाइफ में कितना एक्सपीरियंस लिया है, कितना हमने सीखा है, लगातार जो है हमारे जो विकास है, यानी कि हमारा जो बौद्धिक विकास है उसमें परिवर्तन जो है वो लगातार आ रहा है। तो विकास जो है वो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन है। जितना हम सीखते जाते हैं उतना ही जो है वो डेवलपमेंट हमारा होता जाता है। वृद्धि जो है वो केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है, परिमाणात्मक यानी कि नाप तोल सकते हैं इसको। विकास जो है वो मात्रात्मक, प्रगतिशील
परिमाणात्मक और गुणात्मक जो है वो दोनों होता है, ठीक है। मात्रात्मक का अर्थ ही है परिमाणात्मक, ठीक है, और गुणात्मक यानी कि गुण विशेषताएं, तो ये सभी जो है वो विकास में सम्मिलित होती है। वृद्धि से विकास में जो है वो मदद मिलती है, जो वृद्धि यानी कि जो शारीरिक जो पक्ष है तो वह विकास में मदद करता है, लेकिन विकास से जो है वृद्धि को कोई मदद नहीं मिलती है, ठीक है। विकास जो है वो कभी नहीं रुकता है, जबकि वृद्धि जो है वह एक समय पर आकर जो है वो थम जाती है। वृद्धि सभी बालकों में लगभग समान होती है, यानी लगभग बालकों में जो समान होती है, हमें पता होता है, हमसे यदि कोई पूछता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो वह जो है कितने वजन का था, ठीक है, तो लगभग माना जाता है कि 3.5-4 जो है वो किलो का रहा होगा, ठीक है। 6 वर्ष की आयु में आते आते पता लग जाता है कि 15-16 किलो का जो है वो लगभग हो जाएगा या फिर हो गया है, ठीक है, लगभग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 55 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर जो है वो जन्म के समय होती ही है। वहीं विकास की दर की यदि बात करें तो सभी बालकों में जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। उसका कारण होता है इन्वायरमेंट, यानी जिस वातावरण में वह रह रहा है तो उस स्पीड से उसकी उसका जो है वो विकास हो रहा है, ठीक है। अच्छे वातावरण में पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है उसमें यदि वो रह रहा है तो उसका विकास जो है वो उस तरीके से होगा, यदि वो नेगेटिव माहौल में रह रहा है तो उसका विकास उस तरीके से होगा। तो यह तो हर बालकों में अलग-अलग होता है। वृद्धि का क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है और वहीं पर विकास का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, ठीक है। विकास में ही वृद्धि जो है वो समाहित है। वृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, ये विकास पर आश्रित नहीं है, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि पर आश्रित है। विकास जो है जिसमें सभी पक्ष जो है वो शामिल होते हैं, विकास में शारीरिक पक्ष भी शामिल होता है और शारीरिक पक्ष जो कि अभिवृद्धि या वृद्धि की बात करता है, तो विकास जो है वो वृद्धि पर डिपेंड है। फिर देखें विकास के नियम, तो सबसे पहले है सार्वभौमिकता का नियम। विकास जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे भारत में जो है वो जो जीव है उसका विकास हो रहा है और भारत के बाहर जो जीव है उनका विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास की जो ये प्रक्रिया है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो कभी तेज हो जाती है, कभी ये मंद हो जाती है। विकास की प्रक्रिया सभी जगह जो है वो समान रूप से होती है, तो ये सार्वभौमिकता का नियम है। अगला देखें विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी ये कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये लगातार होती है। गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत ये चलती है, तो यह निरंतरता का नियम जो है यह कहता है, ठीक है। तो नियम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो है विकास का नियम है या ये विकास का नियम नहीं है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नियम, क्रमिक विकास यानी कि क्रम से विकास जो है वो क्रम से चलता है। एक प्रजाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसा क्रम पाया जाता है, जैसे कि बच्चा जो है पहले घुटने के बल चलेगा और बाद में जो है वो पैरों पर चलेगा। ऐसा नहीं होगा किसी भी समाज में कि बच्चा जो है वो पैरों पैरों पर चले पहले और उसके बाद जो है वो घुटने के बल चलना शुरू करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा जो है वो पहले घुटने के बल चलेगा, बाद में पैरों पर चलेगा, तो ये क्या है, एक क्रम है। तो विकास का ये सिद्धांत है कि इसमें जो है वो क्रमिकता जो है वो पाई जाती है, क्रम जो है वो इसमें होता है। भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी विकास में जो है वो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे, विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं, अतः भविष्यवाणी इसकी की जा सकती है। विकास पूर्वान में होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का जो है एक्सरा, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि उसका जो हाथ घायल हुआ है तो उसका भविष्य में विकास कैसे होगा, ठीक है। तो ये जो है हम पता लगा सकते हैं, हम जो है उसका अंदाजा अनुमान जो है वो लगा सकते हैं कि भविष्य में जो है उसके शरीर का जो भी अंग जो है जो कि घायल हो गया है उसका भविष्य में विकास कैसा होगा। तो भविष्यवाणी का सिद्धांत तो जो है वह भी किसका है, विकास का है।
विकास की गति जो है वो परिवर्तित तो होती रहती है, विकास निरंतर होता है, ये हमने देख लिया, सतत होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी अधिक होती है और कभी मंद होती है। जैसे कि गर्भाधान से 2 वर्ष तक बालक जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है, ठीक है। हर वर्ष देखते हैं हम कि बालक जो है उसके, हम देखें कि कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए, ऐसा हम कहते हैं, जबकि कपड़े तो वैसे ही रहते हैं। क्या होता है कि बालक जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है। 3 वर्ष से वय संधि का जो समय होता है तब थोड़ा सा धीमा हो जाता है। वय संधि से 16 वर्ष तक हम देखते हैं कि उसके जो शारीरिक विकास है उसमें बहुत तेज जो है वो तेजी आ जाती है, ठीक है। चाहे उसका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, यदि हम उसको कोई चीज सिखाना चाहे बहुत स्पीड से वो सीखता है। 16 वर्ष से परिपक्वता तक जो है फिर से वह धीमा हो जाता है। तो ये जो विकास क्रम है वो टैनर और मैरिडिथ का विकास क्रम है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। मनुष्य जो है वो उसमें समानताएं होने के बावजूद भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसका कारण क्या है? वंश क्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट। जिस वातावरण में वो रह रहा है उसी तरीके से जो है वह कार्य करता है, उसी तरीके से वहां के आसपास के माहौल को वो जानता है, और वैसे ही उसका विकास होता है, ठीक है। उसके माता पिता, उसके दादा दादी, ठीक है, जिस तरीके से कार्य करते आए हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। तो जहां पर व्यक्ति में समानताएं हैं, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का सुबह से शाम तक जो है, यदि हम दिनचर्या की बात करें तो लगभग समान ही रहती है, ठीक है। सुबह उठकर जो है वो फ्रेश होकर, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करके और फिर ऑफिस जाना, फिर वहां पर जो है काम करके लंच करना, वापस आना घर, ये जो है लगभग सभी में समानता होती है, ठीक है। स्टूडेंट की यदि बात करें तो वही सुबह उठकर जो है जल्दी से फ्रेश होकर, नहा धोकर, ब्रेकफास्ट करके जो है पढ़ने बैठ जाना, लगभग सभी में जो है समानता होती है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस वातावरण में वह है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे जो है वो घर पर पढ़ रहे हैं, कई बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं, तो दोनों में जो है वह इस तरीके से अंतर आ गया। ये जो विभिन्नता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये विकास में होती है। जिस तरीके से, जिस वातावरण में वह कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होगा, ठीक है। उसका जो घर में उसके जो माता पिता हैं, दादा दादी जो हैं, ठीक है, जो विशेषताएं, जो गुण उनमें हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं जो हैं वो बच्चों में भी आ जाती हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मनुष्यों में समानता होने के बावजूद भी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है विकास में, ठीक है। सबका विकास जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए कहा गया विकास की दर जो है वो असमान है, यानी कि समान नहीं है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का ही गुणनफल है, ठीक है। वंशानुक्रम यानी कि प्रकृति और वातावरण यानी पोषण। तो प्रकृति पोषण विवाद भी है, जहां पर कई जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि जो विकास है वो प्रकृति का परिणाम है, यानी जैसे इन्वायरमेंट में रहता है व्यक्ति वैसा उसका विकास होता है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, ये तो किसका परिणाम है, ये तो वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का परिणाम है, ठीक है, कि जैसे उसके माता पिता हैं वैसा ही वो बच्चा बनता है, उसका विकास भी उसी तरीके से होता है। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, नेचर नर्चर डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम से है, वही पोषण का अर्थ क्या है, वातावरण से है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो नेचर जो है वो हेरिडिटी से है और नर्चर जो है वो एनवायरनमेंट से। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे जो है वो नेचर को वातावरण से जोड़ देते हैं, जबकि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में प्रकृति यानी कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, और पोषण का मतलब है नर्चर यानी वातावरण, उस एनवायरनमेंट से कैसे उसका पोषण हुआ है। फिर देखें परस्पर संबंध का सिद्धांत। सामान्यतः जिस बालक के शारीरिक आयाम में तीव्र गति से विकास होता है उसमें मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास भी तीव्र और शीघ्र होता है, ठीक है। तो
विकास की जो प्रक्रिया है उसमें विकास के सभी जो पक्ष हैं, जैसे कि शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, संवेगात्मक है, ये सभी एक दूसरे से जो है वो संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति का जो शारीरिक आयाम है, यदि वो तेज गति से उसका विकास हो रहा है, तो मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास भी बहुत तेज गति से होगा। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एक दूसरे से जुड़े होना, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर उस अंग के भागों को उपयोग में लेना सीखता है, और फिर एक साथ जो है उनको चलाना सीखता है। मान लीजिए एक जो बालक है उसको जो है एक बॉल जो है वह उठानी है। ठीक है, तो अभी जो है वो शारीरिक तौर पर इतना जो है वो नहीं हो पाया है कि बॉल को जो है एक झटके में उठा ले, तो क्या करेगा, वो अपने पूरे शरीर को हिलाकर जो है उसको लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो अंग के भागों को जो उपयोग में लेना सीखेगा, यानी कि अपना जो हाथ जो है उस तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि अभी उंगलियों का जो है उसका विकास नहीं हुआ है, तो पूरे हाथ से ही वो बॉल को लेना चाहेगा। फिर क्या करेगा, फिर वो है अपनी उंगलियां जो है वो चलाना सीख जाएगा, और उसके बाद जब वो यह सीख जाएगा तो वह बॉल को जो है अपने पूरे शरीर के साथ जो है खड़ा होकर और उस हाथ से अपनी अंगुलियों से जो है उस बॉल को पकड़ लेगा। तो यही जो है वो किसका सिद्धांत है, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है। इसके अनुसार पहले बालक जो है वो पूरे अंग को, फिर अंग के किसी एक हिस्से को जो है वो चलाना सीखता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो यहाँ पर भी क्या बात है कि सामान्य से विशेष की ओर अनुक्रिया होती है, यानी पहले सामान्य होती है और उसके बाद जो है वह विशेष अनुक्रिया होती है। जैसे शिशु जो है वो शुरू में किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की कोशिश करेगा, बाद में केवल हाथ को ही वो उपयोग में लेना सीख जाता है। अर्थात बालक पहले सामान्य गतिविधियों को सीखता है, पहले वो जो भी सामान्य क्रियाएं हैं उनको सीख जाता है, और ये जो गतिविधियां ही समय के अनुसार जो है वो विशिष्टता में बदलती जाती है। विकास जो है वो परिपक्वता तथा अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे, आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का प्रदर्शित होना क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, जिसकी बात जो है हमने अधिगम के टॉपिक में कर ली थी कि परिपक्वता मैच्यूरेशन जो है वो क्या होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक अंगों, तंत्रिका तथा मांसपेशियों आदि में समय के साथ जो है वो सक्षमता आती जाती है। ठीक है, अब कहते भी हैं कि जो है ये अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उसमें जो है वो परिपक्वता व्यक्ति में आ जाती है। वांछित परिपक्वता आ जाने पर अभ्यास का जो अवसर मिलना या अधिगम का होना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर अभ्यास है, अनुभव जो है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कहते हैं कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम दोनों का ही परिणाम है। बालक का विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर होता है। अधिगम कह लो यहाँ पर, या वातावरण कह लो, तो परिपक्वता और वातावरण, परिपक्वता और अधिगम दोनों की ही अंतःक्रिया पर निर्भर करता है विकास। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर पर है सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो सबसे पहला है सिद्धांत, देखिए, सिरस्थ या सिर से पैर का सिद्धांत, या जिसे हम मस्तकाधोमुखी स्फेलोकोडल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्फेलो का अर्थ है स्कल यानी खोपड़ी, और कॉडल का अर्थ है टेल यानी कि पूंछ, यानी खोपड़ी से लेकर नीचे तक यानी पैर तक जो है यहाँ पर विकास होता है। ठीक है, तो विकास की दिशा जो है वह कैसे होती है, सिर से लेकर और जो है वो पैर तक होती है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, मस्तक से लेकर जो है वह नीचे तक होती है। ठीक है, तो शिशु जो है वो शरीर के निचले भाग से पहले जो है वो ऊपरी भाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है, इस सिद्धांत का ये अर्थ है। जब बालक जो है वो घुटनों के बल चलता है तो वो पहले जो है वो हाथों का प्रयोग करता है। ठीक है, और फिर जो है वह पैरों का प्रयोग करता है, यानी कि शरीर के जो निचला हिस्सा है उसमें बाद में वो नियंत्रण प्राप्त करता है, सबसे पहले जो ऊपरी भाग है वहां पर इसका नियंत्रण हो जाता है।
तो जो हम देखते हैं कि पूर्व जो शैशवावस्था होती है उसमें शिशु का जो सिर है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। आप सभी को पता होगा कि सिर जो है वह उसका बड़ा होता है। तो इसका अर्थ क्या है इस सिद्धांत का, कि विकास जो है सबसे पहले सर का यानी कि सर से जो है उसके बाद पैरों की तरफ होता है। दूसरा सिद्धांत जो है इसी में, जिसको निकट से दूर का सिद्धांत, केंद्र से सिरों का विकास का सिद्धांत, या अंदर से बाहर की ओर जो है विकास होता है, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। और ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सर से पैर की तरफ विकास हो रहा है यानी कि सफेलोकॉडल, और जब यहाँ पर केंद्र से जो है वो सिरों की तरफ जब विकास हो रहा है, बोलेंगे हम इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, अब इसमें जो है वो विकास कैसे होता है, इस सिद्धांत में जो विकास जो है वो शरीर का जो मध्य जो है यहाँ भाग, यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है वो दूर के अंगों की तरफ जो है वह जाता है। ठीक है, पहले जो है शिशु धड़ पर जो है वो नियंत्रण प्राप्त करता है, और उसके बाद जो है वो दूरस्थ अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। पहले शिशु जो है वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए शरीर जो है इसको घुमाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपनी भुजाओं की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कहता है, जबकि हमने ये वाला जो सिद्धांत देखा था सिर से पैर तक का सिद्धांत, तो यहाँ पर नियंत्रण जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ ऊपरी भाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है, और उसके बाद जो है वह है नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जबकि निकट से दूर का जो सिद्धांत है इसमें सबसे पहले नियंत्रण जो है वो बच्चे का जो है वो धड़ पर नियंत्रण होता है, और उसके बाद जो है वो जो दूर के जो अंग हैं उस पर नियंत्रण होता है। यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत जो है यह कहता है कि विकास जो है वो निकट से दूर होता है। 13 नंबर है, विकास वर्तुलाकार होता है यानी स्पाइरल होता है, रेखीय नहीं होता है। विकास जो है वो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, विकास कैसे होता है, विकास देखिए, सबसे पहले जो है वो यहां पर जब बच्चा जो है वो जन्म लेता है, तो उसके बाद विकास जो है वो जन्म से 5 वर्ष हम देखते हैं बहुत तेज गति से होता है, चाहे वो उसकी सीखने की गति हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, वो बहुत तेज गति से होता है। फिर जो है उसके बाद जो है ये गति जो है इसमें धीमापन आ जाता है, और 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, बाल्यावस्था की जो उसकी उम्र होती है, उस समय जो है इसकी स्पीड कम हो जाती है। आप अपने आसपास जो है वो बच्चों को देखिएगा कि उनमें जो है विकास जो है वो पहले बहुत अधिक हुआ जब वो बच्चे थे, एकदम शिशु थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा धीमापन आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर एक बार और तेज गति से विकास होना प्रारंभ हो जाता है जब वो 13 से 18 वर्ष की आयु में आता है, और आते आते जब वो किशोर हो जाता है, किशोरी हो जाती है, तब जो है वो स्पीड जो है उसकी बढ़ जाती है विकास की। ठीक है, फिर उसके बाद फिर धीमापन आ जाता है। इस तरीके से विकास जो है वो कैसा होता जाता है, चाहे हम शारीरिक की बात करें यहाँ पर, चाहे हम मानसिक की बात करें, विकास जो है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाई होती है। अंतर्निहित कठिनाई यानी विकास जो है वह बहुत आराम से हो जाए, सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम देखी जाती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए, जैसे कि उचित अधिगम हेतु वातावरण ना मिल पाना। अब हर किसी को जो है वो एनवायरनमेंट मिल जाए अच्छा, ऐसा संभव नहीं होता है। तो उसी तरीके से उसका विकास भी होता है, अच्छे वातावरण में उसका विकास और अधिक अच्छे से होगा, या नेगेटिव माहौल यदि मिल जाता है तो वहां पर जो है उसका जो है वो अधिगम है, विकास जो है वह धीमा पड़ जाता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, यानी प्रत्येक समाज में बालकों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। तो प्रत्येक विकासात्मक अवस्था यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो हर अवस्थाओं में जो उम्र होती है, तो उससे जो है समाज ये आशा लगाता है कि ये जो बालक है, ये जो व्यक्ति है, तो ये अपनी उम्र के बालकों की तरह ये कार्य जो है वह कर पाएगा। ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। तो हैविंग हर्ष ने इस संप्रत्यय को क्या कहा है, विकासात्मक नाम दिया है।
तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जिसमें हमने ये जाना कि विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है एक तरीके की पूर्ण इकाई है, ठीक है। ये जो परिवर्तन होते हैं विकास में, इनको जो है हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हम इनको नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। विकास जो है अभिवृद्धि से बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत रूप है इसका। ये जो है मनोवैज्ञानिक होता है, हम इसका जो मूल्यांकन भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, विकास जो है वो चेतन मन जो होता है उसके परिणाम स्वरूप होता है, क्रमिक होता है, निश्चित होता है, लगातार होता है, और विकास जो है वो हमेशा एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने जो भी यहाँ पर पढ़ा है इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।